श्रीमद्भगवद गीता की पढ़ी है, लिखी हुई है, उसी में एक श्लोक आता है, अन्ना भवन्ति भूतानि प्रसन्या अन्नसंभवः यज्ञ भवन्ति प्रसन्य यज्ञ कारण समुद्भवः। कहा गया है कि जो हमारा शरीर है बुद्धि है ये अन्न से बनती है, आज हम जब खाते हैं उसी से बनती है, आएंगे तो चलेंगे, और जो अनाज है वह बनता है वर्षा से पानी से, कौन होता है पानी नहीं पहुंचेगा तो नहीं होगा अनाज, और जो वर्षा है वह हवन यज्ञ करेंगे तब पैदा करेंगे तो वर्षा होगी, और ये हवन यज्ञ होता है कर्म करने से, और कर्म करने के लिए हमें स्वस्थ रहने की आवश्यकता होती है, जब हमारे पास स्वस्थ शरीर भी नहीं होगा तो हम क्या कर्म करेंगे क्या करेंगे, तो स्वस्थ रखने के लिए अपने शरीर को योग की आवश्यकता पड़ती है, योग क्या होता है जो नाम सामान्य जो योजना होता है ठीक है, उसके दो अंग करते हैं, एक होता है बाहरी दूसरे से अपने शरीर को जटिल करना मजबूत करना, एक है आंतरिक रूप से शुद्ध करना, पात्र होता है बर्तन जोता ले लिया उसके बाहर से हम अच्छे से मान कर साफ कर लेते हैं, लेकिन अंदर से साफ होना चाहिए, इसी प्रकार से शरीर के अंदर शुद्ध रहे साफ रहे, तो ये कैसे होता है होता है प्राणायाम से, अंदर से शुद्ध आवश्यक है, हम बाहर से कर लेते हैं अंदर से नहीं हो पाता है, तो उसके लिए बहुत सारे उसके अंग होते हैं उपांग होते हैं, योग और प्राणायाम प्राणायाम करने के नियम होते हैं, इसमें श्वास की गति होती है वो लेना और छोड़ना कुंभक बेचक कुंभक होता है, कि श्वास हमें कितनी देर तक लेना है कितनी देर तक रोकना है कितनी देर तक हमें छोड़ना है, ये पूरा प्रोसेस होता है, योग के जम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि के आठ अंग होते हैं, लिखोगे फिर संदर्भ लिखोगे लास्ट में
बॉडी और मास को डिस्कस लिखोगे तब जाके आपका निबंध होगा। बोलिए ये बताया। अब यही हम कभी लिख पाए नहीं लिख पाए ना, क्योंकि हम हमेशा रटते हैं। बिल्कुल आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसने जिंदगी में कभी नहीं लिखा और जिसके हमेशा 10 में से 9.5 और 10 में से 20 में से 19 से 18 नंबर लेने वाला व्यक्ति आपके पास निबंध में खड़ा है। क्यों? कोई भी एक टॉपिक बोली उत्तर आप देंगे, मैं नहीं दूंगा। महिला शिक्षा कोई भी हमारा सबसे कोई भी टॉपिक जो आपको देता है पेपर में उसमें सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए आपके दिमाग में, जैसे महिला शिक्षा है तो महिला शिक्षा क्या है, योग क्या है, उस प्रश्न का उत्तर लिखिए। सबसे पहले क्या का उत्तर लिखिए, हो गया किसी को बताने की जरूरत नहीं, भूमिका होगी क्या है, क्यों है, कैसे है, तीन ही है ना, आप कितनी हो रहे हैं आज, अभी दो दिन यही हुआ। आज कोई भी एक टॉपिक लेकर के बैठ जाना दोपहर में, हिंदी में इंग्लिश में दो लैंग्वेज तो मैं एक दिन से कर सकता हूँ और आपको हर प्रॉब्लम होगी मैं दूर करूंगा। पहला क्या का उत्तर देंगे तो ही होगा और कभी जिंदगी में इसमें दिक्कत नहीं होगी। उसी तरीके से योगा क्या है जो अभी अभी आचार्य जी ने आपको बताया कि ये जोड़ने की एक प्रक्रिया है। मैं कह रहा हूं कि इट इज ए सप्लीमेंट्री थेरेपी टू हील द डिजीजेज ऑफ आवर बॉडी। एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी पद्धति चार तो हमारे मार्केट में है। जब सारी जगह से हार जाते हैं तो चलो अपने बाबा जी की तरफ आपको वही योग से दूर करें। स्पेशली ठीक जो सबसे ज्यादा आपको